हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिवोस्टीम, जो कि एक नॉन आईबीआर कॉइल टाइप बॉयलर है थर्मोडाइन इंजीनियरिंग सिस्टम्स के मैन्युफैक्चरिंग रेंज में। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि छोटी इंडस्ट्री के लिए और जहां पर कम स्टीम की रिक्वायरमेंट है उसके लिए बहुत बढ़िया से काम करता है। तो रिवोस्टीम, जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं, स्टीम प्रोड्यूसिंग के लिए और रिवर्स फ्लेम टेक्नोलॉजी से रेवो है, तो इस पे हम बात करेंगे। पहले उससे जानेंगे कि आईबीआर और नॉन आईबीआर क्या होता है। व्हाट इज आईबीआर? इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस आईबीआर जो है एक लॉ है इंडिया का, जो कि 1950 में बनाया गया था। ये डिजाइन, मैन्युफैक्चर, इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन सभी चीजों को जो कि बॉयलर से रिलेटेड हैं उनको गवर्न करता है, उनके लिए गाइडलाइंस सेट करता है। जो भी स्टीम प्रोड्यूसिंग वेसल्स इसके परव्यू के अंडर आती हैं उन सब के लिए ये काम करता है। इसके हिसाब से, यानी आईबीआर के हिसाब से, एनी बॉयलर जो कि स्टीम प्रोड्यूसिंग वेसल है और कैपेसिटी उसकी, वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी 25 लीटर से ज्यादा है, वो एक आईबीआर इक्विपमेंट कहलाता है। ये उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। बॉयलर मींस अ प्रेशर वेसल इन विच स्टीम इज जनरेटेड फॉर यूज एक्सटर्नल टू इटसेल्फ बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, विच इज होली और पार्टली अंडर प्रेशर व्हेन स्टीम इज शट ऑफ बट डज नॉट इंक्लूड। इसका पूरा परिभाषा को हम थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे। बॉयलर उस प्रेशर वेसल का नाम इन्होंने डिफाइन किया है जिसमें स्टीम बनाई जाती है, स्टीम जनरेट की जाती है। उस स्टीम का इस्तेमाल उस वेसल से बाहर होना है अगर, यानी उसका स्टीम जो जनरेट की गई है उसका यूज जो है एक्सटर्नल टू दी वेसल है, और वो प्रेशर के अंडर है जब उसको बंद किया जाए। लेकिन उसमें ये तीन कैटेगरी इंक्लूड नहीं है। पहली, अगर उस स्टीम जनरेटिंग वेसल की वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी 25 लीटर से कम है, और वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी कहां से कहां तक नापी जाएगी? फीड चेक वाल्व, यानी जहां से पानी एंटर हो रहा है उस वेसल में, वहां से उस वाल्व से लेकर, और स्टीम स्टॉप वाल्व जो आउटलेट स्टीम वाल्व है वहां तक, उसके बीच की टोटल कैपेसिटी, वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी 25 लीटर से कम हो अगर, तो वो बॉयलर कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी वो इक्विपमेंट नॉन आईबीआर कहलाएगा। या सेकंड कैटेगरी है जिसके अंदर 1 kg/cm² से कम का डिजाइन प्रेशर हो, वो भी नॉन आईबीआर रहेगा। या जिसमें पानी को हीट किया जाए बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो तीन एग्जम्पशन के साथ बॉयलर का ये डेफिनेशन है। दोबारा से बात करते हैं। बॉयलर मीन्स एक प्रेशर वेसल जिसमें स्टीम प्रोड्यूस की जाएगी जब वो प्रेशर में होगा, और वो स्टीम का इस्तेमाल उस वेसल से एक्सटर्नल होना चाहिए। तीन कैटेगरी उसमें एग्जम्प्ट है। अगर उस वेसल की वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी 25 लीटर से कम है तो, या 1 kg/cm² से उसका वर्किंग प्रेशर कम है, या 100 डिग्री से नीचे उसमें पानी हीट किया जाता है, तो ये तीनों नॉन आईबीआर हैं। तो हमारा जो नॉन आईबीआर बॉयलर ये है रिवोस्टीम, इसमें जो कि इन तीन कैटेगरी से एग्जेम्प्टेड है, इन तीन कैटेगरी में आता है, वो नॉन आईबीआर जाता है। उसमें आईबीआर के कंपल्जन्स या लॉ एप्लीकेबल नहीं रहती है। तो रिवोस्टीम जो हम बात कर रहे हैं, रिवोस्टीम जो है ये ट्रूली नॉन आईबीआर बॉयलर है। इसके अंदर आईबीआर की कोई रेगुलेशन फॉलो करने की, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती, इसलिए नॉन आईबीआर कैटेगरी है। कॉइल टाइप वाटर ट्यूब डिजाइन है। वाटर ट्यूब यानी पानी, वाटर जो है वो ट्यूब के अंदर मूव करता है, एक कॉइल शेप में इसका प्रेशर पार्ट रहता है। इंस्टेंट स्टीम जनरेटर है, यानी स्टार्ट करते ही आपको इंस्टेंटली विद इन 3 to 5 मिनट्स आपको स्टीम मिल जाती है। वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ कॉइल जो है वो 5 गैलन से नीचे रखी जाती है ताकि ये नॉन आईवीआर रह सके, जो फर्स्ट कैटेगरी हमने अभी बात की थी। और फ्लेम जो है वो वाटर ट्यूब के आउटसाइड होती है, और वाटर जो है ट्यूब के अंदर ट्रैवल करता है और उससे स्टीम जनरेट होती है। For more information about Revo Steam Watch Part 2, please like and subscribe the channel. Give suggestion in comment.